वेलकम डीएम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7th 4.2। क्लास 7th 4.2 में देखिए क्या दिया। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दिए इनके हमको क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। टू मीन्स होता है जो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है ए -4/9 दिया है। ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका, देखिए -4/9 मीन्स आपका क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो -4/9 का क्या हो जाएगा, +4/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 4/9 हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, -7/8 दिया तो क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। सी नंबर का 5/-21 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 5/-21 हो जाएगा। डी नंबर का भी क्या हो जाएगा, 8/15 होगा। ई का क्या हो जाएगा आपका, देखिए न्यूमरेटर भी माइनस है डिनोमिनेटर भी माइनस है, दोनों के माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 10/31 हो जाएगा इसका एडिटिव इन्वर्स। ओके, तो आप लोग को इनको लिख देना है एडिटिव इन्वर्स इक्वल करके। अब सेकंड नंबर कहता है ऐड द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन दिए हैं इनको हम लोग को रेशनल नंबर दिए हैं, इन रेशनल नंबर को अपन को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो हम लोग ऐड करना सीख चुके हैं फ्रैक्शन का, उसी तरह हम लोग को रेशनल नंबर का एडिशन करना है। देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या दिया आपका, -9/10, 22/15 और क्या दिया है, 13/-20 दिया, तो इनको अपन लोग प्लस करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो इस तरह आएगा आपका। तो प्लस करने पर देखिए क्या आता है, देखिए इनको एलसीएम लेना है, 10, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 60 आएगा। एलसीएम लेने के बाद इसको कर देना, आप लोग जैसे क्लास 6 में फ्रैक्शन का किए हैं उसी तरह इसको कर सॉल्व कर देना है, और आपका सॉल्व करने पर ये आंसर आएगा, क्या आएगा, -1/12 आएगा। तो आप लोग इसी इन्हीं सभी रेशनल नंबर को ऐड कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया आपका, जो रेशनल नंबर दिया किस में दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में दिया, किस में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, इनको फर्स्ट आप लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, देखिए 2 5 जै 10 और 1 ऐड हो जाएगा तो 11/5 हो जाएगा। इसी तरह -3/20 आएगा इसका, 2 5 जै 7 4 7 2 जै 14 और 14 में 1 ऐड कर देना क्या हो जाएगा, 15, तो -15/7, फिर इसको आप लोगों को प्लस कर देना है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको प्लस करना है, आप लोग कर लेना एडिशन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, आपको इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या दिया है, 17/15 फ्रॉम जीरो, फ्रॉम का मतलब होता है से होता है, तो मीन्स जीरो को पहले लिखना, जो आपका इधर लास्ट नंबर लिखा हो तो उसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो कैसे करना देखिए मैं बता रहा हूँ आपका, ये 0-17/15 हो जाएगा, मीन्स 0-17/15 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल आपका -17/15 आ जाएगा, क्योंकि आपका देखिए जीरो को पहले लिखा माइनस, क्योंकि माइनस करना माइनस क्या होगा, ये होगा। इस तरह सभी को आप लोग करना है। ई नंबर देखिए क्या दिया, ई बी सी और डी आपके सेम है एज इट इज, इसलिए आप लोग कर लेंगे। जैसे आपका बी नंबर है -2/3 दिया है तो -2/3 पहले लिख देना है और फिर माइनस करके 2/3 लिख देना है, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आपका देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर, ई नंबर दिया, ई नंबर 1/5 फ्रॉम लिखा है द सम ऑफ 8/5 एंड 6/7, मीन्स पहले इन दोनों का सम निकालना है, क्या निकालना है, 8/5 और क्या 6/7 का सम निकालना है, इनका सम इनका पहले कर देना है, फिर जो आएगा इसका आंसर तो इससे -1/5 से माइनस करना है। देखिए मैंने इसको सॉल्व किया था कि वो इनका 8/5 का और 6/7 का क्या किया, सम किया, तो सम करने पर क्या आ गया आपका, 86/35 आ गया सम करने पर। अब देखिए जैसे पहले क्वेश्चन थे वन ए बी सी क्वेश्चन थे उसी तरह बन गया 1/5 फ्रॉम क्या लिखा आपका 86/35, तो 86/5 फ्रॉम लिखा है, इसको क्या करना है आप लोगों को पहले लिख देना है, 86/35 पहले लिख दिया और माइनस का साइन लगा करके ये नंबर लिख देना, 1/5 कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो आपका 79/35 आ गया आंसर। ओके, तो इस तरह आप लोगों को ये एफ नंबर भी करना, सम किन का करना, देखिए इसमें एफ में सम इन दोनों का करना है, इन दोनों का 1/2 और 4/3 का सम करना है, फ्रॉम -11/6 इसका इससे करना है, तो पहले इन दोनों का सम करके और -11/6 को पहले लिखना है, फिर इसका जो सम आएगा उसको माइनस करके लिख देना है, तो क्वेश्चन नंबर ये आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर फोर दिया है क्या दिया है, द सम ऑफ द टू रेशनल नंबर इज -4/11 दिया है, कहता है दो रेशनल नंबर का सम कितना दिया है, -4/11 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वन
नंबर आपका दिया हुआ है वह नंबर इज 6 दिया, फाइंड द अदर नंबर निकालना है। ओके, तो आपको क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में एक नंबर दिया है 6 है, दूसरा नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट देखिए क्या कर देंगे, हमको जो गिवन दैट है उसको लिख देंगे। ठीक है, गिवन जो दैट है उसको लिख दिया मैंने, सॉल्व करना है, क्या करना है, स्टार्ट करना है, लेट बी द अदर नंबर एक्स, मान लेना है नंबर एक्स हो जाएगा आपका। और कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन दोनों का सम दिया हुआ है, ठीक है, एक्स और 6 नंबर भी दिया आपका, 6 दिया है वन नंबर, तो इन दोनों का सम कितना दिया है, -4/11 दिया है, तो मैंने लिख दिया इक्वल सम ये दिया आपका। तो एक्स की हमको वैल्यू चाहिए, तो ये 6 क्या है, प्लस में है, तो इक्वल की तरह किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, -4/11 माइनस क्या हो जाएगा, 6/1, और इसको सॉल्व कर दिया क्या आएगा आपका, 70/11 आ गया। ठीक है, तो हेंस लिख देना, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस अदर नंबर लिखेंगे आप लोग, हेंस अदर नंबर क्या हो जाएगा, -70/11 हो जाएगा। ओके, तो आंसर आ जाएगा आपका ये, इस तरह आप लोगों को सॉल्व कर देना है। इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दिए हैं, ठीक, इसी तरह कर लेना है, जिससे 4 को किया सॉल्व किया उसी तरह 5 और 6 को भी सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, अर्नव कैन द हाइट 8/11 सेंटीमीटर हाइट होती है, 6 मंथ में उसकी हाइट है, और नेक्स्ट 6 मंथ में उसकी हाइट क्या हो जाती है आपकी, 8/11 हो जाती है। तो इन दोनों का क्या करना है, टोटल निकालना, द टोटल हाइट ऑफ द, कितनी हाइट उसकी टोटल, दोनों क्या करना है, प्लस कर देना है। तो आप लोग दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 8/11 और 8/11 दोनों को प्लस कर देंगे, तो आप इनकी दोनों की यानी टोटल हाइट आ जाएगी। तो इसको क्या करना है, प्लस करके सॉल्व कर देना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह सॉल्व कर लेंगे, तो आपका 4.2 फिनिश होता है इस तरह। ओके, थैंक यू।